वेलकम बैक टू आवर चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके। आज आपको दिखाएंगे बोर्नमाउथ का एयर फेस्टिवल, जो कि फुल डे एंड नाइट का एयर शो। और उससे पहले हमारा चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा फॉर मोर अपडेट। और चलिए शुरू करते हैं आज का एयर फेस्टिवल शो। और हम लोग बोर्नमाउथ में पहुंच गए थे और लगभग 1 बजे पहुंचे थे, और तभी तक एयर फेस्टिवल शुरू नहीं हुआ था जो एयर शो है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला टाइप का लगा था, जहाँ पे राइड्स था, फूड स्टॉल, सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। और इतना क्राउड था कि क्या बोलूँ, सब एयर शो देखने आए थे यहाँ पे, और जो मेला है वो एंजॉय करने आए थे। इससे पहले भी बोर्नमाउथ आए थे, लेकिन तब इतना क्राउड नहीं था आज जितना क्राउड है। और बहुत टाइप के यहाँ पे शॉप देखने को मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर पे ही बहुत सारे टॉयलेट्स भी है, क्योंकि उस टाइम पे इतना लोग थे, इतना क्राउड था कि ज़रूरी होता है, तो वो दिक से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये सब बैठे हैं एयर शो देखने के लिए, और तभी शुरू नहीं हुआ था और थोड़ा ही कुछ ही देर बाकी था। और ये रहा बोर्नमाउथ का जो एयर फेस्टिवल था, फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो कि रॉयल एयरफोर्स से है, और इसका नाम जो है BBMF, जो फुल फॉर्म है बैटल ऑफ ब्रिटेन मेमोरियल फाइट। और 1957 में ये एयरक्राफ्ट एक्टिव हुआ था। अभी आ रहा है नेक्स्ट एयरक्राफ्ट, जो कि है वैंस RV-4, और इसका जो ओरिजिन है वो है यूनाइटेड स्टेट, और ये फायरबर्ड्स नाम से जाना जाता है। अभी जो आप देखने वाले हैं वो है एयरक्राफ्ट के विंग्स के ऊपर कुछ इंसान जो है वो स्टंट दिखा रहा है, और उनको बोला जाता है विंग वॉकर्स। और ये है जो यूके में विंग वॉकर्स है।
ये एयरक्राफ्ट में देखिए लिखा है ट्यूटर, ये रॉयल एयरफोर्स से है, लेकिन इसको ट्यूटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट स्टेज में जो ट्रेनिंग होता है वो इसी एयरक्राफ्ट से ही होता है। ये है वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जो कि 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये हेलीकॉप्टर जो है ब्रिटिश टर्बाइन पावर्ड और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। अभी नेक्स्ट जो आ रहा है ये है फेरी शॉर्ट फिश, और इसको बोला जाता है बाइप्लेन टॉर्पेडो बॉम्बर। 1930s के टाइम पे ये एयरक्राफ्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था।
और ये है यूरो फाइटर टाइफून, और ये रॉयल एयरफोर्स का है, और ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। जब ये सामने से गया, सीरियसली एकदम ऑसम फीलिंग था, ऑसम। और मैं यहाँ निकली थी देखने कि यहाँ पे क्या क्या स्टॉल लगा है, और ये साइड में जो भी है वो फूड स्टॉल है, और डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे खाना मिल जाएगा। सब टाइप का है, बर्गर है, उसके बाद टॉर्टिला जो रोल है, रैपर वो है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और सब शॉप में जो फूड रेट है वो सेम है। और मैं यहाँ पे ली थी फ्रेंच फ्राइज। और ये है एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट, और हेवी बॉम्बर के लिए ये यूज़ होता है। 1938 में ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये है हमारा डे टाइम का लास्ट एयरक्राफ्ट, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा ब्रेक होता है, और फिर नाइट में जो एयर शो है वो दिखाया जाएगा।
चलिए तब तक ये यहाँ पे बोनमाउथ का जो मेला लगा है, क्या क्या शॉप है, क्या क्या राइड्स है, वो आपको घुमा के दिखाते हैं। और अभी आप बोनमाउथ का जो बीच है वो सब घूमने के बाद हम लोग एक आइसक्रीम खाए और उसके बाद हम लोग अपने जगह पे पहुंच गए और फिर से देख पा रहे हैं एयर शो स्टार्ट हो गया है। ये वही दो एयरक्राफ्ट्स हैं जो मॉर्निंग में मैंने बताया था कि फायर बर्ड्स हैं, ये वही दो हैं।
अभी जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, इसमें से उतरने वाले हैं रेड डेविल्स। और ये रेड डेविल्स जो है, ये आर्मी में से वर्ल्ड क्लास पैराशूट डिस्प्ले टीम है, और इनको ही बोला जाता है रेड डेविल्स। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना था, वो ये है कि आप अगर एयर शो देखने जा रहे हैं, तो मैंने बहुत जन को देखा कि डे तक जो एयर शो है वो देख के चले जा रहे थे। एक्चुअली एयर शो डे नाइट दोनों मिला के होता है, तो आप कोशिश करिएगा कि रात तक रुकने के लिए, क्योंकि रात में एयर शो और भी अच्छा होता है। और इसके बाद फिर से ब्रेक देने के बाद 10 बजे के करीब शुरू होता है फायरवर्क्स।
आज का हमारा बोन माउथ का एयर फेस्टिवल जो शो है वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई खूबसूरत सा जगह लेके आएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।